हेलो एंड वेलकम यू ऑल। मेरा नाम है शांतनु शुक्ला और आज हम करने जा रहे हैं, अभी अभी जो एनटीए नेट का अपडेट आया है कि उसने रिजल्ट को फिर से चेंज कर दिया। जो आपकी 2019 दिसंबर का रिजल्ट था उसको एनटीए 2 से 3 बार चेंज कर चुकी है। तो अभी मैं चाहूँगा कि आप अपना रिजल्ट जा करके देख लीजिए कि क्या वो, तो पूरी टाइमलाइन समझ लीजिए, देख लीजिए आप हैं कि नहीं जिनका रिजल्ट चेंज हुआ है उसमें। तो देखो होता क्या, स्टोरी लाइन पूरी ऐसी आपकी कि 19 मार्च को सबसे पहले फर्स्ट टाइम रिवाइज रिजल्ट आया। देखो पहले रिजल्ट इन्होंने अपलोड कर दिया है ठीक, और अभी तक बताया नहीं है लोगों को कि हमने रिजल्ट चेंज कर दिया, तो बच्चों को पता ही नहीं कि कुछ हो गया है। लेकिन जिन बच्चों ने अपना चेक कर रहे थे उनको रियलाइज़ हुआ कि हम लोगों का चेंज हो गया, तो ये हम लोगों को पता चल गया था कि 19 मार्च को ही कि कुछ रिवाइज वर्जन हो रहा है। ये है, एनटीए ने पहले बताया था, मार्च के पहले फेब में ही बताया था कि वो थोड़े से चेंजेस कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं। ओके अब इसके बाद क्या होता है, 19 मार्च के बाद आता है 27th मार्च। 27th मार्च को एनटीए पब्लिकली कम्युनिकेट करती है ठीक, क्या कि उन्होंने जो रिवाइज का रिजल्ट है वो अपलोड तो कर दिया है बट सबको अभी लिंक प्रोवाइड नहीं कराए जा पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास वर्क फोर्स नहीं है। अभी वर्क फोर्स क्यों नहीं है, क्योंकि कोविड का लॉकडाउन चल रहा है। कोविड-19 का जो मार्च में लॉकडाउन हुआ था उसकी वजह से वो कह रहे हैं कि वर्क फोर्स नहीं है, इस वजह से हम नया लिंक आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं ठीक है। तो ये उन्होंने कहा कि नया लिंक नहीं मिला है अभी। अब इसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है 11th जून ठीक। उन्होंने अब क्या बताया, उन्होंने बताया कि दे हैव इशूड द नेट सर्टिफिकेट्स एंड JR सर्टिफिकेट जो अभी तक चेंज हुए थे 11th मार्च तक जो चेंज हो गए थे, उन बच्चों के सर्टिफिकेट्स अब अवेलेबल कर दिए ठीक। 11th मार्च को जो चेंज हुए थे उनके सर्टिफिकेट कब आ गए, 11th जून को ठीक। सॉरी ये आया था आपका, हाँ 19th मार्च को जो हुए थे उनके आ गए थे 11th जून को। तो यानी कि जिनको 19th मार्च को अपडेट हो गए थे उनके आ गए 11th जून को। अब क्या होता है, अभी 25th जुलाई को वी गॉट द न्यूज दैट दे हैव रिवाइज द रिजल्ट अगेन, उन्होंने फिर से चेंज कर दिया है रिजल्ट ठीक। तो मतलब अभी ये जो 11th जून को पहले एक तो जो चेंज हुआ था 19th मार्च को, उसके बाद 11th जून को चेंज कर दिया उन्होंने, एंड देन अगेन उन्होंने फिर 25 जुलाई को बोलना है कि उन्होंने फिर कुछ रिविजन करा है। तो मेरा एक सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट है, जाकर के अपना रिजल्ट एक बार चेक करिए और ज़रा जाके चेक करो कि देखो कुछ बच्चों का हुआ है, जो मेरे यहाँ पे बच्चे पढ़ रहे थे उनका क्या है, एक बच्चा है जिसका पहले JRF क्वालिफाइड था, अब सिर्फ वो नेट में आ गया है ठीक, ये मैनेजमेंट सब्जेक्ट का था वो ओके। एंड एक बच्ची जो थी जो मैनेजमेंट से ही नेट क्वालिफाइड थी सिर्फ, अब वो JRF हो गया उसको। तो इसलिए ज़रा आप जा करके चेक करो कि आपका कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, आपका रिजल्ट चेंज हो गया है कि नहीं हो गया है, या कुछ रिजल्ट में चेंज आए, और फिर नीचे मेरे को कमेंट करके बताओ कि आपके रिजल्ट में क्या हुआ, चेंजेस आए कि नहीं आए। एंड एक बात और है, इन सब चेंजेस के पहले के जो आपके वो थे सर्टिफिकेट्स, वो सर्टिफिकेट्स अब भी वेबसाइट पर अवेलेबल हैं ठीक। तो अगर आप QR कोड आपके पास है, कोई प्रिंटआउट निकाल रखा था या स्क्रीनशॉट ले रखा था, तो QR कोड स्कैन करेंगे तो पुराने वाले वेबसाइट, पुराने वाले आपका सर्टिफिकेट अभी भी मिल जाएगा। तो अभी समझ में नहीं आ रहा है कि एनटीए नेट स्लो चल रहा है या बहुत फास्ट काम कर रहा है। स्लो इसके लिए क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि पुराने रिजल्ट कब हटा देना चाहिए, और फास्ट इसलिए कि अगर इतना जल्दी आप काम कर रहे हो तो पुराने रिजल्ट टाइम पर हटा दो। और ये बार बार चेंज क्या कर रहे हैं, ये तो कोई ये बता ही नहीं रहा है कि इनका पैरामीटर्स क्या हैं, किस पैरामीटर पर ये रिजल्ट अप और डाउन कर रहे हैं भाई। क्योंकि एक बात देखिए कि भाई मार्क्स जो थे वो पहले से ही पेपर में हमेशा सेट होते हैं ठीक, मार्क्स आर सेट। अब मार्क्स के बाद क्या है, जब ऑलरेडी हर क्वेश्चन 2 ही मार्क्स का है, तो अब आप चेंजेस क्या कर रहे हो, या आप क्वेश्चन में चेंज कर रहे हो क्या? और अगर क्वेश्चन में चेंज करो तो स्टूडेंट्स आर सपोज टू बी नोइंग देन कि आपने क्वेश्चन में चेंज करा, और आप कोई उसका क्लैरिफिकेशन भी नहीं दे रहे हो हम क्या चेंज कर रहे हैं ठीक है। तो मेरा आप सबसे यही है कि आप जा करके एक बार चेक करो कि आपका नेट का रिजल्ट में क्या कुछ चेंज आया है कि नहीं 2019 दिसंबर वाला ठीक है। जल्दी से जाकर चेक करिए और मेरे को बताइए नीचे कि क्या हुआ है, अगर हुआ है तो बिल्कुल मेरे को बताइए ताकि और बच्चों को भी पता चले ये बात। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दैट, अगर आपको इस तरह की लेटेस्ट से लेटेस्ट न्यूज़ अगर जाननी हो तो आप नीचे व्हाट्सएप ग्रुप लिंक दिया हुआ है मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का, उसको ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट न्यूज़ सबसे पहले मिल जाए, ताकि आप अप टू डेट रहें, क्योंकि अभी भाई डेट्स भी आनी है ठीक एनटीए नेट की, जितनी जल्दी पता चलेगा उतना ही बेटर है ना। तो इसके लिए जल्दी जल्दी जा करके ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।